राज्य की गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैली और हल्ला बोल जारी है। उदयपुर में भी आयोजित एक जन आक्रोश रैली में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। दौरान उन्होंने मुफ्त योजनाओं के जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार को घेरा। राजस्थान सरकार की वादा खिलाफी के आधार पर, जिन वादों के आधार पर सत्ता में आए, 4.5 वर्षों में न तो किसानों की कर्ज माफी हुई, न बेरोजगारी भत्ता मिला, न बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का वादा किया, न उस पर खरे उतरे। एक नहीं अनेक बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी करी और कल ही राहत कैंप, एक तरफ राहत कैंप चालू है, दूसरी तरफ लोगों की जेब काटना भी चालू है, बिजली के दाम और बढ़ा दी। युवाओं के साथ जो कुठाराघात हुआ, पहली बार आरपीएससी का कोई मेंबर जिसकी गिरफ्तारी होगी, हमारी मांग है कि उसको मेंबर बनाए किसने। आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था में पूरा रिकॉर्ड देखा जाता है कि वहाँ क्या है, और उसे भ्रष्ट अधिकारी को पहले से वहाँ इस मेंबर बनाना, किसकी सिफारिश से बनाया, किसने बनाया, क्यों बनाया, और इतने दिनों तक क्यों रुका।